अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू कुजीन आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चाइनीज़ और देसी का फ्यूजन एक रेसिपी लेके आई हूँ चाइनीज़ नूडल्स उसके लिए मैंने एक कप ली थी शिमला मिर्च इसको मैंने जूलियन कट किया है साथ ही मेरे पास गाजर थी इसको भी जूलिन कट किया है चिकन जो था उसको भी जूलिन कट किया है सारी वेजिटेबल्स को आपने एक जैसा कट करना है और ये मेरे पास थी रसपगेटी इसको भी मैंने बॉईल कर लिया था नमक और ऑयल डाल के तो ये मेरे पास था एक सॉस पैन इसमें मैं फ्रेश गार्लिक क्रश करके डालूँगी फ्रेश गार्लिक का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है चाइनीज़ खानों में तो इसको तीन जगह मैंने लिए हैं गार्लिक के तो इसको मैं कर रही हूँ क्रश और ये हो चुका है क्रश अब इसमें जाएंगे सात से आठ टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल के जितना ऑयल बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना इसमें ये थोड़ा लग रहा था मैंने थोड़ा सा बाद में भी इसमें ऐड किया था तो ये इसमें जाएगा चिकन साथ ही इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है बहुत ज़्यादा गार्लिक को फ्राई नहीं करना तो अब चिकन का कलर हो चेंज होने तक हमने इसको पकाना है तो ये चिकन का कलर चेंज हो चुका है अब मेरे पास है स्लाइसिस में कटा हुआ एक अदर टमाटर इसको मैं ऐड करूँगी और इसको भी थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है वैसे भी बोनलेस है तो बोनलेस तो आपको पता है बहुत जल्द बन जाता है अब इसमें ऐड करूँगी थोड़े देसी मसाले हाफ़ टी स्पून नमक और हल्दी हल्दी को डालते वक्त वीडियो बंद हो गई थी तो उसके लिए माजरत तो साथ ही इसमें जाएगी वन टी स्पून हुई मिर्च ये अच्छी खासी मिर्च जो है वो तेज़ होती है तो आपको जितना स्पाइसी पसंद हो उतना आप ऐड कर सकते हैं वैसे चाइनीज़ खाने इतने स्पाइसी नहीं होते मगर मैंने ये जो है इसमें देसी का भी थोड़ा टच दिया है इस वजह से मैं इसको थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च और गाजर और इनको भी कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स मिक्स में और इनको इतनी देर पकाना है कि शिमला मिर्च और जो है गाजर वो थोड़ी सॉफ़्ट हो जाए तो तब तक आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर नहीं किया और अगर कर लिया है तो बहुत शुक्रिया और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा तो अब ये गाजर और जो शिमला मिर्च है ये थोड़ी हो रही है फ्राई अब इसमें जाएगा सोया सॉस वन एंड हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है तो साथ इसमें टू टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ सोया सॉस सॉरी चिली सॉस तो मुझे अंदाज़ा है मैं कभी भी चीज़ें जो है नाप तोल के नहीं यूज़ करती तो अगर आप चाहें तो आप इसको मेजर करके भी डाल सकते हैं तो अब इसमें जाएगी जो मेरे पास है बॉयल की हुई स्पेगेटी और इस इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स 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 और इसको थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि जो मसालों का फ़्लेवर इसमें भी आ जाए जो मेरे पास थी एस बगेटी और आप इसमें चाहें तो एग नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी और पास्ता अगर आपके पास पड़ा हुआ है घर में तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसमें ये नूडल्स ऐड किए हैं तो आप भी नूडल्स ही ऐड करें आप इसमें कोई भी पास्ता की शेप जो आपको पसंद हो वो भी ऐड करके इसी तरीके से उसको भी बना सकते हैं तो इसको मैं थोड़ी देर ऊपर से करूँगी कवर ताकि थोड़ी और सॉफ़्ट हो जाएं और ये मैं काट रही हूँ हरा प्याज़ और हरा धनिया तो ये इसमें मैं ऐड करूँगी तो आप जो है वो चेक कर लेती हैं अपनी नूडल्स को ये पक गई हैं अब इसमें जाएगा ये हरा प्याज़ आपने बिल्कुल एंड में ऐड करना है ताकि उसका जो अरोमा और फ़्लेवर है वो दोनों ही बरकरार रहें तो अब इसको भी हम कर लेंगे मिक्स और ये मेरी जो मज़ेदार सी चाइनीज़ नूडल्स थी वो तैयार हैं अब मैं इनको करूँगी डिश आउट और रेसिपी भी कंप्लीट होने वाली है ये मैंने ली है एक सर्विंग प्लेट इसमें ये जो मेरे पास रेसिपी मैंने बनाई है इसको करूँगी मैं इसमें डिश आउट और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी भी मेरी पसंद आएगी आपके पास भी अगर घर में कोई वेजिटेबल्स पड़ी हैं तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी या बुरी लगी जैसी भी लगी आप ज़रूर बताइएगा और अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया टेक केयर अल्लाह हाफिज और अब हम इसका थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी कर लेंगे